लिस्ट बना रहे हैं यही कर सकते ये मुतवल्ली का चार्ज ले रहे आपके मल्हे मुतवल्ली का ही चार्ज ले रहे तो मुतवल्ली बोल रहे हमारे को फोन आकर के वहाँ से मुतवल्ली न्यूज में आ जाता है मुतवल्ली के ऊपर और उल्टे केस हम बुकोते और उल्टे आप लोग वेकेशन ऑर्डर निकल वेकेशन ऑर्डर निकल जाता वक्त बोर्ड वाले ही फोन कर रहे हैं हमारे वक्त बोर्ड वाले ही बोल रहे हैं फोन बोल रहे हैं वक्त बोर्ड वाले ही बात कर रहे हैं बात करो बात करो बाहर ले लो बाहर जाओ भाई आप कौन है अरे हम यहाँ ही रहते भाई एम्प्लॉय है कई के एम्प्लॉय है एम्प्लॉय है कई के एम्प्लॉय है अब चलो भाई वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आज बरोज़े मंगल मुझे बहुत बड़ी कामयाबी से सरफराज फरमाया है। मेरा नाम सैयद मेराज नवाब है और मैं नवाब सैयद अब्दुल हक रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल-मुखातब नवाब सरदार दिलेरुल मुल्क सीआई जो वाक़े सिकंदराबाद पे दरगाह शरीफ है मकबरा अब्दुल हक बोर्ड्स क्लब सिकंदराबाद सैदानी मा टोम्स आपका मैं ग्रैंडसन हूँ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। वक्फ बोर्ड ने 1998 के बाद 2003 में सैयद इफ्तखार अली ख़ान सन ऑफ सैयद खादर अली ख़ान साहब को बेट्स ऑन दी फेक एंड फैब्रिकेटेड मुंतखब मुतवल्ली अपॉइंट किया था जो यूनाइटेड एपी तेलंगाना स्टेट एपी स्टेट वक्फ बोर्ड था उस टाइम पर। उस वक्त के वक्फ ऑफिशियल ने ब्लाइंडली फ्रॉडिनेंटली बुक ऑफ इंडोमेंट किताबुल औकाफ के अंदर जिसको आप रत्ती बराबर भी छेड़ नहीं सकते उसको जो है सो छेड़छाड़ करते हुए जाली मुंतखब बनाते हुए वक्फ बोर्ड ने जो है सो बिना इंक्वायरी करते हुए इफ्तखार अली खान को मुतवल्ली बनाया। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने 2013 में उनके बेटे सैयद मोहम्मद अली ख़ान को सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए मुतवल्ली बना दिया। उनसे पहले ही इफ्तखार अली खान साहब के ऊपर चार्जेस चल रहे थे इंक्वायरी हो रही थी लेकिन कोई ऐसा ऑफिसर नहीं आया जो हम लोग को इंसाफ दिला सके। लेकिन आज मैं बड़ी खुशी के साथ ये कह रहा हूँ के जनाब शाहनवाज खातिम साहब आईपीएस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने तारीखी रकम करते हुए इफ्तखार अली ख़ान को और मोहम्मद अली ख़ान को टर्मिनेट किया है वहां से रिमूव किया है मुतवल्लीशिप से और इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया है। प्रॉपर इंक्वायरी करवाते हुए इंक्वायरी ऑफिसर्स की तमाम की रिपोर्ट लेते हुए उन लोग को जो है सो आज रिमूव कर दिया गया और चार्जेस पूरे फ्रेम करते हुए वक्फ इंस्टीट्यूशन को अंडर सेक्शन 65 के तहत डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया गया। मैं और शुक्र अदा करता हूँ जनाब केसीआर साहब का और जनाब केटीआर साहब का जो ऐसे काबिल और बेहतरीन ईमानदार दयानतदार ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड में अपॉइंट किया है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए